लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी चर्चा पर आज हम जाने वाले हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राघोपुर दियारा इलाके में। यह राघोपुर दियारा इलाका मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है और लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की जनता कैसा सांसद चाहती है, शीर्ष नेतृत्व कैसा चाहती है, वह भी बात करेंगे। लेकिन उसको जाने के लिए हमें ये पीपा पुल का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो पीपा पुल है, जो लालू प्रसाद यादव उस समय इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, उस वक्त लालू राघोपुर वासियों को सौगात दिए थे, और ये 6 महीना ये पुल रहता है, 6 महीना लोग नाव की सवारी करते हैं। ये बगल में जो देख सकते हैं ये नाव है, ये 15 जून के बाद यह नाव सक्रिय हो जाएगा और राघोपुर वासियों के लिए एकमात्र आने जाने का रास्ता नाव होगा। हालाँकि इसके लिए पक्का पुल का भी निर्माण किया जा रहा है और 6 लेन पुल बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी अभी ओपनिंग नहीं हुई है। हम राघोपुर के वासियों से भी बात करेंगे। बता दें कि यहाँ मुख्य रूप से जो लड़ाई है वह चिराग पासवान और शिव आरजेडी के शिव चंद्र राम से है। क्या कुछ होगा यहाँ पर भी कुछ राघोपुर कहाँ के राघोपुर वैशाली वैसा राघोपुर के रहने वाले। यस, क्या मूड है इस बार जनता का? सर, हर बार राजा का बेटा राजा बनता है, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो राजा वाला काम करेगा वो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वो राजा। तो यहाँ तो राजा का है तो दलित सुरक्षित नहीं, तो हर बार मतलब लालू यादव का बेटे ही जीतते हैं। तो यहाँ पर मतलब इस बार भी लालू यादव के बेटे तो चुनाव मैदान में नहीं है। नहीं तो जो भी है फिर भी उन्हीं का ना पार्टी है, इस बार हम लोग पार्टी चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ तो हर बार रामविलास पासवान के ही जीतते हैं, एक बार उन्हें फिर भी सर। नेक्स्ट हम लोग का जो सांसद थे अभी तेजस्वी यादव है, तो इस बार सांसद हम लोग चेंज करेंगे। क्या चिराग पासवान है आएंगे? यस सर, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, हम लोग युवा क्या चाहता है, चिराग पासवान या शिव चंद्र? चिराग पासवान। क्या युवा की सोच क्या है, चिराग पासवान या शिव चंद्र? सर, हमको पक्का पुल बनवा दीजिए, सबसे बन जाओ। तो पक्का पुल से उनका कोई फायदा होता है सर? ये वाला बनवा दीजिए ना, अच्छा होगा। वो पुल से कोई फायदा नहीं है। तो वोट किस आधार पर करेंगे? पक्का पुल वोट किस आधार पर करेंगे? युवा है आप? हम लोग सब आरजेडी के देंगे। आरजेडी के देंगे? हाँ। तो देखिए अपनी अपनी सोच है, कुछ युवाओं का कहना है कि आरजेडी को देंगे, तो कुछ युवाओं का कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। तो ये राघोपुर के जनता का मूड है। हम राघोपुर गांव में उन जगहों पर भी जाएंगे जहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ये भी पटना।